हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू के लिए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वन जैसे ही। ये आपको इक्वेशन पता है, ठीक है सर। ये आपका सेंटर हो गया। इसको देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब इधर देखो, टू टू का मतलब क्या है आपके पास सर? ये ए की वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है। ये एज अ ए वर्क कर रहा है, ये एज अ बी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जीरो से ए आता है आपके पास, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आती है, तो एक्स एक्सिस पे जीरो ए हो जाएगा एक्स का मान। वाई पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्स तो होता नहीं, तो ये जीरो हो गया वाई का 0 3, ठीक है सर। अब आपको इसका रीजन निकालना, तो मैं एक स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैरेलल टू वाई है और ये अपना डीएक्स, यानी कि मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बताया था। वाई स्क्वायर बाय नाइन को यहीं छोड़ो, 1 - x² / 4 यहाँ करो, एलसीएम लो 4 - x² / 4 y² / 9, 9 को यहाँ भेजो, 9/4 √4 - x² स्क्वायर हटा देता हूँ, रूट लग जाएगा। तो यार रूट पहले लगा दिया मैंने, फाइनली आप देखोगे y की वैल्यू 3/2 √2 का स्क्वायर लिख देते हैं और एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये वाई की वैल्यू हो गई। अब अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले मैं एक रीजन निकालूंगा, ये वाला एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन निकाल रहे हैं हम? रीजन निकाल रहा है ओ, इसको आप ए नेमिंग दे दो, इसको आप बी नेम दे दो। ओ ए बी की बात कर रहे हैं, कैसे निकलेगा सर? जीरो से ए की लिमिट होती है, तो जीरो से टू लिमिट हो गई। वाई डॉट डी एक्स, y की वैल्यू ये रही आपके सामने ऊपर, y का वैल्यू लिखो आप रूट, यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है आपके पास? हाँ सर पता तो है, x/2 √2² x² + a² a का मतलब है 2² / 2 sin inverse x / a, a की जगह मैं इसको ले रहा हूँ ना, और ये 0 से 2 की लिमिट हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल सर। आगे देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट वर्क करेगी। पहले अपर लिमिट लगाओ 2/2 √2² फिर -2² + 2 2 = 4/2 sin inverse 2 - फिर लोअर लिमिट लगाओ, ये 0 हो गया पूरा, यहाँ 0 रखते हैं और साइन इनवर्स में 0 रखते हैं, तो 0 हो गया। इसको अपन सॉल्व नहीं करते हैं ना। अब देखो क्या क्या बचा है यहाँ पे, कितना हो गया 1 हो गया। फाइनली आप देखोगे तो 3/2 (2 में से 2 गया, तो ये भी 0 हो गया पूरा, प्लस 2 से 2 कटेगा 2 टाइम, और ये है आपके पास साइन इनवर्स 1। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब आपको साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखनी है केवल। मैं लिख देता हूँ 3/2 × 2 और ये π/2, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ओनली 3π/2 बचा आपके पास। क्या बचा? 3π/ क्लियर है? थोड़ा यहाँ पे हॉश पॉश हो गया, आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है यहाँ पर? तो आपके पास एरिया ऑफ रीजन क्या आ गया, देखो पीछे साइड पर एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ये हो गया 3π/2। यहां तक क्लियर है क्या? अब आगे देखो, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है एरिया ऑफ इलिप्स। अब एरिया ऑफ इलिप्स अगर पूरा निकालना पड़े कंप्लीटली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 × एरिया ऑफ OAB करना पड़ेगा, ठीक है सर? कर दो, 2 टाइम 2 3 = 6π। क्लियर हुआ है यहाँ तक? बिल्कुल सर, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्लियर है? आसान है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज जो है वो किस तरीके से बनाना है। और 3 इक्वेशंस बता रखी है मैंने आपको, एक सर्कल की याद रख लो आप, एक पैराबोला की याद रख लो आप इक्वेशन, और एक इलिप्स की याद रख लो आप, बस बाकी काम हो जाएगा। और स्ट्रिप वाला जो मेथड बताया मैंने आपको लेंथ इनटू ब्रेथ से, वो वाला समझ लो, थोड़ा आउट है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।